नमस्कार साथियों, नर्सिंग ए में आपका स्वागत है। एक बार फिर से प्यारी सी अपडेट के साथ नर्सिंग ए में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, यूट्यूबी नर्सिंग भर्ती का दौर चालू है और यूट्यूबी बेसिस पे स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों का आगाज हो चुका है और विज्ञापन जारी हो रहा है सभी ज़िलों से, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती रहेगी, मेडिकल ऑफिसर की भर्ती रहेगी, NM की भर्ती रहेगी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, काफ़ी पोस्टें रहने वाली है। टोटल 5500 पदों पर राजस्थान में यूट्यूब बेसिस पे भर्ती होने वाली है। तो साथियों, काफ़ी ज़िलों के विज्ञापन है वह जारी कर दिए गए हैं और आज फिर से एक यूट्यूब बेसिस पे भर्ती निकाली गई है और जिसका विज्ञापन हम लेके आए हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमने नर्सिंग एम नाम से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस पर हम जो भी अपडेट होती है सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, वीडियो बाद में अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कीजिए और गूगल लिंक है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और इसका जो फॉर्मेट है फॉर्म का, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जल्दी ही। दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म है वो मांगे हैं, क्या रहेगी इसकी एज क्राइटेरिया, क्या पोस्ट रहेगी, कितनी पोस्ट हैं, सैलरी क्या रहेगी, सारी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलते हैं बिना समय गमाए अपनी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो साथियों, यूट्यूब नर्सिंग भर्ती कोटा की ये लेने वाली है और कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के द्वारा ये CMHO के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। 7/8/2023 यूट्यूब भर्ती रहने वाली है विज्ञप्ति। तो नर्सिंग एम को ज्वाइन करें दोस्तों, आवश्यक है इसके आधार पर यूट्यूब बेसिस भर्ती होने वाली है। आपका कार्यकाल है वो 31/3/2024 तक रहने वाला है साथियों, और इसमें महिला स्वास्थ्यकर्ता NM की पोस्ट रहेगी और चिकित्सा अधिकारी का इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो इसमें MO की पोस्ट रहने वाली है दोस्तों और NM की पोस्ट रहने वाली है, बहुत अच्छी पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात करें, अगर NM की सैलरी दोस्तों इसमें 26,300 रहेगी और MO की सैलरी इसमें 56,000 के आसपास रहेगी पर मंथ। तो फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है। तो आपको इसमें 31/3/2024 तक लिया जाएगा और अगर उनको परमानेंट स्टाफ मिल जाते हैं तो आपका कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है। और ये दोस्तों जो नए PHC CSE बने हैं उन पे आपको लगाया जाएगा। तो चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट रहेगी, टोटल 8 पोस्ट रहेगी, 56,100 आपकी सैलरी रहने वाली है और अधिकतम आयु 47 वर्ष है और न्यूनतम आयु 22 वर्ष है। तो 22 से 47 वर्ष की आयु वाले चिकित्सा अधिकारी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी सैलरी रहने वाली है, पोस्टें 8 रहेगी और MBBS PG डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, मार्कशीट इंटरशीट पूर्ण अटैम्प्ट प्रमाण पत्र के साथ RMC से रजिस्टर्ड होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र व अन्य उपश्रेणी संबंधी दस्तावेज। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आपको देने हैं। बात करें NM की पोस्ट की, तो दोस्तों NM की इसमें 20 पोस्ट रहने वाली है, 26,300 सैलरी रहेगी, अधिकतम आयु 40 वर्ष है और न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहने वाली है। तो NM की आयु है वो 18 से 40 वर्ष रहेगी, 20 पोस्ट रहेगी NM की इसमें। और NM का प्रशिक्षण कोर्स किया होना चाहिए, RNC से रजिस्टर्ड होना चाहिए और पुलिस जब आपका सिलेक्शन होता है हो जाता है तो उस टाइम आपको पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र व अन्य संबंधी दस्तावेज आपको प्रोवाइड करवाने होंगे।
और इसमें पदों की संख्या व घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसका निर्णय चयन कमेटी लेगी और वाक इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का देय भत्ता नहीं दिया जाएगा। आवेदन कर्ता आवेदन पत्र पर स्वयं बायोडाटा व मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से अंकित करें। दोस्तों इसका फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उसमें मिल जाएगा। और NM पदों के अभ्यर्थियों का चयन अनुभव आधारित बोनस अंकों के तहत किया जाए। तो दोस्तों जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है वो MO का होगा और NM को इसमें बोनस अंक के आधार पर लिया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी वह NM आवेदन पद डाक द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। तो डाक द्वारा दोस्तों आपको भेजना है। अंतिम तिथि है 14/8। ये दोस्तों डेट है वो मिसिंग है, इसको आप 2023 पढ़ें। ये 2/14/2013 लिख दिया है, भूलवश कोई मिसप्रिंट हुई है तो आप इसको 14/8/2023 पढ़ें और शाम 6 बजे तक। तो 14/8/2023 रहेगी, मिस प्रिंटिंग का 2013 कर दिया इसमें, तो इसको 2023 पढ़े दोस्तों। 14/8/2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी शाम 6 बजे तक। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के द्वारा भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो दोस्तों NM की 20 पोस्ट रहने वाली है, अच्छी सैलरी रहने वाली है, अधिकतम आयु 40 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। MO की पोस्ट 8 रहने वाले, 56,100 सैलरी रहने वाली है, 22,47 रहेगी। तो दोस्तों नर्सिंग से जुड़ी हर बढ़ती हर अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर वीडियो लाइक कर देते हैं तो हमारा उत्साह भी बना रहता है और हम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। तो ऐसी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर बढ़ती हर अपडेट नर्सिंग एम लाता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।